हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट द हार्ड वर्ड्स एंड एक्सरसाइज ऑफ लेसन वन, हाउ प्लांट मेक फूड। टुडे वी टॉक अबाउट सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर। लीव्स होती हैं, पत्तियां ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, कलर में ग्रीन क्यों होती हैं। द लीव्स आर ग्रीन, जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं वो ग्रीन या हरी होती हैं। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस, एक प्रकार का तत्व की प्रेजेंस के कारण या उसमें उपस्थिति के कारण उसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड क्लोरोफिल मेक देन ग्रीन, जो कि उनको क्या बनाता है, ग्रीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फंक्शन ऑफ वेन्स। वेन्स के आपको फंक्शन राइट करने हैं, तो आंसर इज द वेन्स टेक वाटर टू ऑल पार्ट्स। फंक्शन मीन्स कार्य, वेन्स वेन्स या नसों का कार्य क्या है एक प्लांट के अंदर। द वेन्स टेक वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, जो वेन्स होती हैं वो लीफ के सारे पार्ट्स में क्या पहुंचाती हैं, वाटर पहुंचाती हैं। एंड ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ टू द स्टीम, और जो लीफ के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको स्टीम तक पहुंचाती है, फिर स्टीम वहां से उसको ऑल पार्ट्स में पहुंचा देता है ट्री के। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ए प्लांट टेक्स, आंसर इज ए प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स है, प्लांट है वो सॉइल से क्या लेता है, वाटर लेता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर यानी कि हवा से क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू काइंड ऑफ शुगर, एक जो लीव्स हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्रकार की शुगर में चेंज कर देती हैं। विच इज़ द फूड, जो कि क्या होता है, इनका फूड होता है। दिस फूड इज़ टेकन बाय द वेन्स, ये जो फूड है वो वेन्स के द्वारा लिया जाता है। एंड द स्टीम टू ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स है, पार्ट्स है इसका मतलब, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो फूड है वो वेन्स के द्वारा लिया जाता है और स्टीम के द्वारा जो प्लांट है उसके सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो फूड बनाने की इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस जो फूड बनाने की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। हम इसके डायग्राम के अनुसार भी समझ सकते हैं, ये सन है एंड ये लीफ है। लीफ है जो सन से क्या कर रही है, सनलाइट ट्रैप कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रही है हवा से, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, ब्रीद आउट कर रही है, इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। आपको ये डायग्राम भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, कि प्लांट्स हैं जो अपना भोजन किस तरीके से बनाते, किस तरीके से यूज़ करते हैं। प्लांट्स यूज देयर फूड इन, प्लांट्स हैं जो अपना भोजन किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन यूज़ करते हैं ग्रोथ में, मेकिंग फ्लावर, फ्लावर बनाने में, फ्रूट्स में एंड सीड्स में। और थर्ड है वो रिपेयरिंग डैमेज, जो उनमें डैमेज हो जाते हैं या उनमें कोई कट वगैरह लग जाता है प्लांट्स में, तो उसको रिपेयर करने में वो क्या करते हैं, अपने फूड का यूज़ करते हैं। नॉट, और जो रेस्ट फूड है, द रेस्ट फूड इज़ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार, जो बाकी बचा हुआ फूड है इन सब के वर्क होने के बाद बाकी जो बचा हुआ फूड है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। और किस में जमा होता है, फ्रूट्स में, सीड्स में, लीव्स में, रूट्स में एंड स्टीम, इन तीनों चीज़ों में वो जमा होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ इज एनर्जी फ्रॉम द सन पास टू द अदर एनिमल्स। एनर्जी या जो ऊर्जा होती है वो सन से अदर एनिमल्स में किस तरीके से जाती है, किस तरीके से पास होती है। तो आंसर है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको एनर्जी फूड से मिलती है। फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, जो फूड है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। दे ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं, अवशोषित करते हैं, टू प्रिपेयर फूड, फूड बनाने के लिए। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स, ये जो एनर्जी है वो एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाती है। एंड ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में भी, व्हेन दे ईट द प्लांट्स, जब वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। दिस वे एनर्जी फ्लोज, दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन
टू प्लांट्स। इस तरीके से जो एनर्जी है वो सन से किस में जाती है, प्लांट्स में जाती है, एंड देन टू द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जाती है। इसका भी एक डायग्राम है जो कि आपको इस तरीके से नोटबुक में ड्रॉ करना है। इस डायग्राम के अनुसार ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। नाउ टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव। टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ ऑल दिस एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।